दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू के समय एक ऐसा जहाज यदि आज भी इसे समंदर में उतार दिया जाए और युद्ध आज के गाइडेड मिसाइल से हटकर हो तो इस जहाज के सामने आज के जहाज भी खड़े होने से एक बार के लिए कतराएंगे। ये जहाज था नाजी जर्मनी के द्वारा निर्मित बिस्मार्क, जिसका नाम जर्मनी के फाउंडर के नाम पे रखा गया था। इस दैत्याकार जहाज को सिर्फ 3 साल के अंदर ही बनाकर समंदर में उतार दिया गया, जिसके आर्मर पे खासा ध्यान रखा गया था और यह पैसिफिक में एकमात्र जहाज था जिसमें हाई ग्रेड स्टील का उपयोग किया जा रहा था। दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि यह जहाज आज के हमारे INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन का था और बिस्मार्क की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दिनों में इस जहाज का सामना होता है उस समय के इंग्लैंड के सबसे अत्याधुनिक जहाज HMS हुड से, जो एडवांस वेपन के मामले में जर्मनी के बिस्मार्क से बेहतर था। वहीं दोस्तों इन दोनों जहाजों के बीच 26 किलोमीटर दूर से ही भयंकर युद्ध सिर्फ 9 मिनट तक ही चलता है और जिसमें बिस्मार्क को बॉम्ब्स लगते हैं, लेकिन जबरदस्त आर्मर की वजह से कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वहीं HMS हुड समंदर में डूब जाता है।